गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक रिवाइज करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। यूनिट एंड मेजरमेंट मीन्स मात्रक एवं मापन। मापन का कॉन्सेप्ट हम लोग विभिन्न सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मेज़रमेंट है, वो जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, जो राशियाँ हैं, उनमें किस तरीके से उनका मापन किया जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है हमारी मापन की, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मीन्स कोई भी हमारी फिजिकल राशि दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, एक नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। नियत परिमाण की जो राशि होती है वो मात्रक कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज और द मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग बाई कंपेयरिंग दैट अननोन क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इक्वल इन नेचर नोन एज मेजरमेंट। एंड मेजरमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो इंग्लिश में इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, हिंदी में सिंपल डेफिनेशन है, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। नियत परिमाण की राशि, जो उसकी नियत परिमाण की जो राशि होती है वो क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है, यानी कि यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें पॉइंट, मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी भौतिक राशियां, मूल राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें कहने का क्या मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, फ्री होती हैं, तथा जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियां हैं, ओके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर हम इंग्लिश में देखें इसको डेफिनेशन को, तो इंग्लिश में हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकेंगे, द फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज यूज्ड एज पिलर फॉर अदर क्वांटिटीज, ओके इट इज यूज्ड एज अ पिलर फॉर अदर क्वांटिटीज। जो भी अदर राशियां होंगी उनके लिए ये एज अ पिलर वर्क करती हैं, ओके नाउ इसमें एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो लंबाई, लेंथ हो गई, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा, ओके तो ये हमारे 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा। इनकी हेल्प से, जैसे कहा गया कि इट इज़ यूज्ड एज अ पिलर फॉर अदर क्वांटिटीज़, इसकी हेल्प से हम अदर जो क्वांटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले और उनकी जो सूत्र हैं उनको हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट मींस जो मूल राशियां हैं हमारी, यानी कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ थी, मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। तो इसको अगर हम लोग कहें तो ये कह सकते हैं कि जो मूल राशियां थी उन्हीं के जो हमारे मात्रक हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कहेंगे। मीन्स द फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज डिफाइंड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। इसमें जो एसआई पद्धति में, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, जैसे यूज टू मेजर लेंथ, ओके किसमें, मीटर, द मीटर यूज्ड टू मेजर लेंथ,
मीटर को यूज़ किया जाता है लेंथ को फाइंड करने में, द सेकेंड इज़ यूज टू मेजर द टाइम, ओके, समय को मापने के लिए, समय को मेजर करने के लिए सेकेंड का यूज़ किया जाता है। तो लंबाई का मात्रक वहां पर क्या हो जाएगा? मीटर। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। इसी तरीके से सबका जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका मूल मात्रक इसी तरीके से हम लोग राइट करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड है पॉइंट आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो वे भौतिक राशियां जो आपस में क्या होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं। यहाँ पर अभी हमने जो ऊपर देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी यानी कि जो मूल राशियां थी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती थी, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें अन्य राशियों की मतलब दूसरी राशियों की सहायता से क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अन्य शब्दों में यानी कि अदर वर्ड्स में इसको और भी हम राइट कर सकते हैं कि मूल राशियों से उत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों से हमने पहले बताया कि ऐसी क्वांटिटीज जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हैं वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे आयतन, आयतन है, घनत्व है, वेग है, त्वरण है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो फोर्स हो गया, ये सब जितने भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो सब क्या हैं, वो सब हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं यानी व्युत्पन्न राशियां हैं। ओके, अब इसी में डेराइव्ड मात्रक की बात आ गई। डेराइव्ड मात्रक यानी कि वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त किए जाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त हो रही थी। उसी तरीके से सेम एज इट इज हमारी डेफिनेशन है, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न राशियां मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये सभी मूल मात्रकों को गुणा अथवा भाग करके प्राप्त किए जाते हैं। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब क्या है? ये सब इसके मात्रक हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है। यूनिट सिस्टम बेसिकली तीन टाइप का हम लोग यूज करते हैं, थ्री टाइप्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई यूनिट सिस्टम है, एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीजीएस। सीजीएस फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अब इस पद्धति में सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या हो गया? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। नाउ सेकंड है हमारा इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति मीन्स एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति हमने देखी, अब एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति का अगर फुल फॉर्म देखें तो एम इज इक्वल टू मीटर, के इज इक्वल टू किलोग्राम एंड एस इज इक्वल टू सेकेंड। मीन्स इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा तथा समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिट सिस्टम, एज इट इज क्वेश्चन आया है, इसको सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति जिसमें जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एफ पी एस पद्धति या एफ पी एस सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में फुट यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये क्या है? लंबाई का मात्रक यहाँ पर फुट, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट कंसीडर होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये जो हमारी पद्धतियाँ हैं इम्पॉर्टेंट हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड सीजीएस पद्धति, इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति मीन्स एम के एस पद्धति एंड फुट पाउंड सेकंड पद्धति मीन्स एफ पी एस पद्धति।
अब आता है हमारा मूल राशियां तथा उनके मात्रक तथा संकेत। इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट, सभी को लर्न होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होगा। जो मूल राशियां हैं तथा उसके मात्रक। मूल राशियां क्या हैं? लंबाई, द्रव्यमान, हम लोगों ने कहा बताया था मूल राशियां हमारी कितनी हैं, सात होती हैं, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता एंड विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। जिसको राशि, जो हमारी मूल राशियां हैं उसको, उसके संकेत भी दे रखे हैं किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T, ताप का थीटा, ज्योति तीव्रता का CD, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का A, यानी कि इससे इनको डिनोट किया जाता है, इनका संकेत है ये। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर एंड पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो मीटर, अब क्या है इसमें, पदार्थ की मात्रा का मात्रक था मोल, तो अब हम लोग देखेंगे जो मात्रक हैं इन मात्रकों के क्या संकेत होते हैं, जो मात्रक हमारे हैं यूनिट्स जो उनकी हैं उसके क्या संकेत होते हैं, उनका मात्रक को किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीटर को स्मॉल m से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल s से, केल्विन को स्मॉल k से, कैंडेला को लिखते हैं हम लोग cd, एम्पियर को a से, मोल को MOL, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। दो हमारी पूरक मूल राशियां हैं, ओके, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, कोण और घन कोण। कोण को थीटा से, कोण का क्या होता है एंगल, मतलब भाई एंगल को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, थीटा से, जिसका मात्रक होता है रेडियन, थीटा का मात्रक क्या होता है रेडियन, उस रेडियन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आरडी से या आरएडी से। घन कोण, घन कोण को साइन हमारा इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, देख सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग ओम की तरीके का साइन होता है, ओम का नियम जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उस तरीके से इसका साइन होता है। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है घन कोण का, स्टेरेडियन, और उसको हम लोग एस टी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, सभी को लर्न होनी चाहिए, मूल राशियाँ जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और राशि उसके, उस मूल राशि को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फिर मूल राशि का मात्रक क्या है, और उस मात्रक का संकेत यानी कि उस मात्रक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मानक मीटर। मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर, ये सब डेफिनेशंस हैं कुछ जो कि लेंथ की, लेंथ से रिलेटेड हैं। मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर की अगर हम लोग बात करें तो एक मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर वह दूरी है, वह डिस्टेंस है जिसे प्रकाश निर्वात 1/299742458 सेकेंड में तय करता है, ओके? तो ये एक डेफिनेशन है। एक मानक मीटर क्या है, मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299742458 सेकेंड में तय करता है, या इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें कैडमियम से उत्सर्जित, यानी कि कैडमियम से जो निकलती हैं लाल प्रकाश की तरंगे, एक कैडमियम से उत्सर्जित होने वाली लाल प्रकाश की 1,553,164.1 तरंगे आती हैं, मीन्स उसको इस तरीके से कैडमियम से जो प्रोड्यूस हो रही हैं वेव्स, उसमें कितनी निकलती हैं, उससे उसको मानक मीटर को रिप्रेजेंट किया गया है डेफिनेशन को। नेक्स्ट हमारा लंबाई का मात्रक है, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ में सबसे पहला आता है माइक्रोन,
हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज़ भी करते हैं, माइक्रोन का। माइक्रोन ये लंबाई का एक मात्रक है। ये क्या है? ये लंबाई का एक मात्रक है। यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं की माप को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग बहुत ही छोटा पार्टिकल कोई देखते हैं तो उसकी माप को, उसको मेजर करने के लिए ये हमारा यूज़ प्रयोग में लाया जाता है। ओके, माइक्रोन को इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए इसको। एंड वन माइक्रोन क्या होता है? वन माइक्रोन एक मीटर का 10,00,000वां भाग होता है। ओके, मींस वन माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10,00,000। ओके, लिखा हुआ है फॉर्मूले में, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10,00,000 मीटर, मींस 1 × 10⁻⁶ मीटर। ओके, 1 × 10⁻⁶ मीटर या 10⁻⁶ मीटर भी सिंपल राइट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस में यूज होता है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मीटर। माइक्रोन को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? ये भी लंबाई का मात्रक है। इसका प्रयोग अणुओं तथा परमाणुओं का आकार, ओके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनका जो साइज होता है उसको मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसे हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं? ए ए के ऊपर छोटा सा जीरो कह सकते हैं या बिंदी टाइप का बनाते हैं। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 1/10,000। 1/10,000 मीन्स 10⁻⁴ माइक्रोन। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रॉन्स? 10⁻⁴ माइक्रॉन्स। ओके, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उस माइक्रोन, एक माइक्रोन को, एक माइक्रोन हमारा 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर किया गया है 10⁻⁶ मीटर, तो 10⁻⁴ × 10⁻⁶, तो हमारा आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर। ओके, फर्मी, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है फर्मी। फर्मी का उपयोग किया जाता है परमाणु के नाभिक तथा मूल कणों, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आकार फाइंड करने के लिए या उनका आकार व्यक्त करने के लिए। उनके जो आकार को व्यक्त किया जाता है फर्मी के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। जो हमारा एटम्स होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके नाभिक में जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं, उसका आकार व्यक्त करने के लिए वो कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने में फर्मी का यूज किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सब कहाँ पर यूज किए जाते हैं। क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आता है तो हम लोग वहां पर एज इट इज इसको यूज करेंगे। जैसे 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर। नाउ नेक्स्ट इसी में डेफिनेशन है हमारी खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान मीन्स एस्ट्रोनॉमी, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है। तो आकाशीय पिंडों, आकाश में जो हमारे विभिन्न प्रकार के तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, जो पिंड हैं, उनकी स्टडी एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है? एस्ट्रोनॉमी ये तो कहती है उन सभी की स्टडी इसके अंतर्गत काउंट होती है। ओके, मीन्स आकाशीय, इसमें खगोलीय विज्ञान में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि उनकी डिस्टेंस कितनी है एंड उस वो किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, लेंथ हो गया, उनका वेट कितना है, मास। ओके, तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये सब एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है खगोलीय मात्रक। अभी हम लोगों ने बात की खगोलीय विज्ञान की, अब आता है खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को, लंबाई, दूरी की लंबाई नापने में का एक खगोलीय मात्रक माना जाता है। मीन्स सूर्य से पृथ्वी के बीच औसत दूरी की लंबाई नापने का एक खगोलीय मात्रक माना जाता है, उसको एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। 1 खगोलीय मात्रक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.47 × 10⁻¹ मीटर। 1.47 × 10⁻¹ मीटर। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट इसमें आता है एक खगोली प्रकाश वर्ष, सॉरी नेक्स्ट है माई डेफिनेशन प्रकाश वर्ष, यानी कि एक लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लाइट ईयर में द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट टू अबाउट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ओके, मीन्स अदर इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट द लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 जूलियन वर्ड्स। ओके, तो इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है, परिभाषा को। प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.461 × 10^15 मीटर पर सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात या वायु में एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात या वायु में एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। अब 3 × इसको जब हम लोग उसके साथ एक वर्ष के साथ हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 365 × 24 × 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये तो स्पीड है, प्रकाश की चाल है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, 9.461 × 10^15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमको मिल जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी पारसेक। पारसेक एक खगोली मात्रक के बराबर होता है। पारसेक क्या होता है? पारसेक एक खगोली मात्रक के बराबर लंबाई का चाप जितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर सेकंड का कोण बनाता है उस दूरी को एक पारसेक कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? एक खगोली मात्रक के बराबर लंबाई का चाप जितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर एक सेकंड का कोण बनाता है वह उस दूरी का को एक पारसेक कहते हैं। वन पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.084 × 10^16 मीटर, मीन्स 3.084 × 10^16 मीटर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन मीन्स मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं? एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो एक मानक किलोग्राम कार्बन 12 जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के 5.0188 × 10^25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो एक मानक किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है? कार्बन 12 एलिमेंट के 5.0188 × 10^25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। नाउ अब आती है बात समय की, मेजरमेंट ऑफ टाइम। उससे रिलेटेड हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। समय का मापन एसआई पद्धति में हम लोग जानते हैं समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक कैसा होता है? सेकंड होता है। उसमें अगर हम लोग बात करें दोपहर की, जो दोपहर का समय होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को क्या कहते हैं हम लोग? मध्याह्न या दोपहर कहते हैं। दोपहर किसे कहते हैं? बेसिकली हम लोग कह देते हैं 12 बजे के बाद दोपहर लग गया, आफ्टरनून हो गया। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? किसी स्थान पर जब सूर्य, जो हमारा सन है, वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। सूर्य कब कहाँ होगा? अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो उस क्षण को, उस मोमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? दोपहर कहते हैं। दिवस एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न तक के समय को एक सौर दिवस कहते हैं। ओके, माध्य सौर दिवस कहते हैं। किसे कहते हैं? एक वर्ष में सभी सौर दिवसों का औसत। जैसे एक मध्याह्न, आज के मध्याह्न से कल तक के मध्याह्न का बीच का जो समय हो गया वो एक सौर दिवस हो गया। और माध्य क्या हो गया? पूरे एक वर्ष में जितने भी सौर हम लोगों ने सौर दिवस थे उनका औसत, यानी कि उनका एवरेज जब फाइंड करेंगे तो हम लोग
उसको मादहिसौर दिवस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक सेकेंड। इम्पॉर्टेंट हैं ये सब डेफिनेशंस, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बस एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, मादहिसौर दिवस के एक बटे 6400वें भाग को एक सेकेंड कहते हैं। एक सेकेंड माध्य और सौर दिवस का क्या होता है, एक बटे 86400वां भाग होता है। अब इसको हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 माध्य सौर दिवस बटे 86400वां भाग। ओके, तो ये है हमारा माध्य सौर दिवस, इसकी वैल्यू हम लोग सेकेंड में क्या फाइंड करेंगे, 86400 सेकेंड। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस थी। आज हम लोग यही डेफिनेशंस पे हम लोग एंड करते हैं। कल इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको देखेंगे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट आज हमने सभी डेफिनेशन देखी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में एज इट इज़। जो हमारी वैल्यूज़ थी, जैसे एक पार्सेक की वैल्यू, 1 लाइट ईयर की वैल्यू, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रॉन, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू क्या होती है, 10^-6 मीटर, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होती है 10^-10 मीटर, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10^-15 मीटर, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू 1.47 × 10^11 मीटर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 × 10^15 मीटर पर सेकेंड, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.084 × 10^16 मीटर, एंड इन द लास्ट हमारा आता है 1 सौर दिवस। 1 सौर दिवस का वैल्यू क्या होती है कि 1 माध्य सौर दिवस इज इक्वल टू 1 सेकेंड × 86400 सेकेंड। ओके, तो ये थे हमारा आज जो हम लोगों ने पढ़ा, इम्पॉर्टेंट था ये टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट आगे हम लोग इसके कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।